गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले एक्चुअली एक हेयर ऑयल शेयर किया था ना आप लोगों को, वो इतना पसंद आया था एंड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट। मेरी फैमिली में और जितने भी मेरे फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत पसंद आया। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ उसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे, अब कई लोग हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, इवन इंडिया के कुछ स्टेट्स में दे आर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स। कुछ लोग उन चीज़ों को, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो आज मैंने एक बहुत ही ईजी हेयर ऑयल शेयर किया है। ये तेल दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करेगा। मतलब जो आपके बाल, हेयर थिनिंग प्रॉब्लम हो रही है, थिनिंग ऑफ द हेयर, बाल पतले होते जा रहे हैं, हेयर फॉल और डैंड्रफ, मैंने आपको बोला अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, बैक्टीरिया है, आपका स्कैल्प अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ जो है वो कम होगी होगी, बाल पतले होंगे, हेयर फॉल होगा, हेयर ब्रेकेज होगी, बाल टूटेंगे भी और बाल जो है नए अच्छे ग्रो भी नहीं करेंगे। मतलब आपके बाल टूटते जाएंगे तो ऑब्वियसली हल्के हो जाएंगे, कई कई जगह पे बॉल्ड स्पॉट्स आ जाएंगे, गंजेपन के निशान आ जाएंगे। मैं गारंटी करती हूँ जहां जहां पर फॉलिकल्स इनएक्टिव हो गए हैं, डेड फॉलिकल्स की मैं बात नहीं कर रही, स्लीपिंग मोड पे जो फॉलिकल्स चले गए हैं वहां पर 101% रीग्रोथ होगी और जो डैंड्रफ है वो तो कम होगी होगी। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको ये हेयर ऑयल रेगुलरली यूज करना। सबसे बढ़िया जो इस हेयर ऑयल का गुण है वो है कि मेरे को काफी सारे वैसे भी मेल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि प्री मेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर, यू नो, समय से पहले बाल जो है वो सफेद होते जा रहे हैं, मे बी हेयर कलरिंग की वजह से, बहुत ज्यादा हीट एक्सपोजर की वजह से बाल व्हाइट हो रहे हैं। उसके लिए दोस्तों जो मैंने हेयर ऑयल शेयर किया था वो ऑल इन वन था, बट आज जो मैं कर रही हूँ वो ये स्पेशली हेयर रीग्रोथ वगैरह के लिए है, हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए है। लेकिन इसमें जो मैं मेन इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो हमारे बालों को कुदरती तौर पे, मींस नेचुरल तरीके से काला भी करेगा। जो आपके नए बाल ग्रो करेंगे या जो ऑलरेडी वाइट हो रहे हैं उनको धीरे धीरे नेचुरल तरीके से काला जरूर करेगा। सो आई मस्ट से दैट यू हैव टू ट्राई दिस ऑयल, आप ये हेयर ऑयल जरूर ट्राई करें। अभी मैं ज्यादा बातें नहीं करती, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों इस तेल में मैंने बेस ऑयल लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। अगर आपको नहीं मिलता तो आप कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मस्टर्ड ऑयल है वो इक्वली गुड है। उसको इतना अच्छा माना नहीं जाता, लोग उसको आउट ऑफ फैशन समझते हैं, बट सरसों का तेल पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग यूज़ करते थे, बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट मैंने इसमें नीम और करी लीव्स डाली हैं और कलौंजी के दाने डाले हैं, नाइजेला सीड्स या अनियन सीड्स भी बोलते हैं, साथ में मेथी दाने, फेन्यूग्रीक सीड्स डाली हैं। क्वांटिटी अभी आपको टेक्स्ट में दिख जाएंगी, वो रीड कर लेना। नीम और करी लीव्स दोनों ज़रूर डालने हैं और कम सेक पर, ध्यान रहे दोस्तों आपको तेज सेक नहीं रखना है, कम सेक पर इसको 20 to 25 minutes के लिए भूल जाएँ। 15 to 20 minutes में ये जो है ये बिल्कुल इसका कंकॉक्शन बढ़िया सा तेल बन जाएगा। वैसे धूप में रखने वाला मेथड है बट मुझे बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग लगता है। उसके बाद आप एक मसलिन नेट के कपड़े में या मसलिन क्लॉथ में उसको, मलमल के कपड़े में, इस तेल को हाथ से दबा के अच्छे से छान लें, वो फुटेज में नहीं दिखा पाए, और इस तरह से ये बढ़िया सा आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों ध्यान रहे इसको आप ग्लास बॉटल में भर के रखें, कांच की शीशी में, प्लास्टिक में मत रखें, नहीं तो रिएक्शन होगा। दोस्तों इस तेल को आप आराम से 2 to 3 months के लिए रख सकते हैं। मैं वैसे भी सजेस्ट करूंगी कि आप 2 months से ऊपर का बैच ना बनाएं। अब इसको लगाना कैसे है, मोस्टली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्कैल्प में चंपी कर लेते हैं, बट जिस तरह से मैं बता रही हूँ प्लीज़ आप उसको उस तरह से कीजिएगा। मैंने एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा जगह पर पढ़ा था एंड आई वॉज लाइक आई डिड नॉट क्वाइट बिलीव इट, बट आई हैव बीन फॉलोइंग इट एंड यू नो दैट कि मेरे बाल पहले इस लेंथ के थे एंड नाउ मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ हो गई है मेरे, आप देख सकते हैं। तो आपको ये कैसे यूज़ करना है, मैं अभी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर चुकी हूँ या कर रही हूँ। इस पिक्चर आपको इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, मींस आपको अपने सर को उल्टा करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसी सीधे सर में यहाँ पर हेयर ऑयल लगाकर उसकी मसाज और जो भी हम बाल झसवाते हैं वो कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं, मोस्टली वो इट वर्क्स फॉर अस। बट इन्वर्जन मेथड क्यों करते हैं, बिकॉज नॉर्मली हम सीधे जब बालों में तेल लगाते हैं तो वो एक हैबिट हो जाती है हमारी बॉडी को, हमारी स्कैल्प को, हमारी ब्रेन को एक हैबिट हो जाती है कि हाँ तेल ऐसे ही लग रहा है, तो हमारी जो ग्रोथ है वो एक स्टैग्नेंट रेट पर पहुंच जाती है, हमने उसको स्टैग्नेट करने नहीं देना है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव इट अ शॉक। जब आप बाल अपना सर उल्टा करके लगाते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो
फौरन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, स्टिम्युलेट हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। उससे क्या होता है, जो वो शॉक मिलता है ब्रेन्स को, वो उसी वक्त सोचने, मतलब अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो दिमाग सोचने लग जाता है कि नॉर्मली तो ऐसे ये इस तरह से होता है बट ये उल्टा क्यों हो रहा है। तो उससे वो जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वहाँ पर, उससे हमारे बालों की ग्रोथ अगर रुक गई है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ जहाँ गंजापन है वहाँ वापस बाल आने लग जाते हैं, और जहाँ पर डैंड्रफ है या फिर बाल पतले हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, वहाँ पर मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर वाइट बाल हैं वो काले होने लगते हैं कुदरती तौर पे। अपने 7 डेज, आप 7 दिन के लिए अगर रोज तेल लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगले दिन शैम्पू कर लीजिए, नहीं तो एक दिन अगर आप तेल लगा के घूम सकते हैं दैट्स अ गुड थिंग। अगर 7 दिन नहीं कर सकते तो जैसे एक वीक में आपने 3 बार करा, तीनों बार इन्वर्जन मेथड करा, फिर नेक्स्ट वीक आपने नॉर्मल तेल लगाया, फिर ऑल्टरनेट एक एक हफ्ता छोड़कर आप इन्वर्जन मेथड कीजिए। इस तरह से अगर ऑल्टरनेट करेंगे आप, सच्ची मैं कह रही हूँ, आप मुझे थैंक यू करोगे इस मेथड को आपसे शेयर करने के बाद। इन्वर्जन मेथड की मसाज करने के बाद आपके पास अगर कोई चाल है, कोई स्कार्फ है, क्लिंग फिल्म है, उससे अपने बालों का जूड़ा बना लीजिए और उससे अपने बालों को सिर्फ 20-30 मिनट्स के लिए कवर कर लीजिए। बेशक आप कवर करके सो जाएं, रात को सोते सोते खुल जाए, कोई टेंशन नहीं है, बट ये है कि आधे घंटे तक आपके बाल जो हैं वो बंद होने चाहिए ताकि वो अच्छे से जो ऑयल है ये वाला ये जज्ब हो जाए आपके बालों में और अच्छे से आपके बालों को वो पूरी नरिशमेंट मिल सके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप, आई रियली, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करना है बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, सो डू शेयर माय वीडियोस ऑन ऑल योर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। दोस्तों आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वेलकम टू माई चैनल, आई लव यू ऑल सो सो मच, थैंक यू मुझे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए, और बस मैं थैंक यू ही कहूँगी एंड लव यू कहूँगी। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ यहाँ पे रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साथ में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए सो दैट यू स्टे नोटिफाइड अबाउट माय न्यू कमिंग वीडियोस। एंड मुझे इसी तरह से प्यार करते रहिए, मुझे आपको पता है कि आजकल आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। लव यू ऑल।